नाजिन हेल्थ रिस्क अलाउंस सिंध हुकूमत की जानिब से बंद कर दिया गया है, जिसके बाईस सूबे भर में पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिन्ना अस्पताल में, आप मेरे रकम में देख सकते हैं पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और यंग डॉक्टर स्टाफ सरापा एहतजाज हैं। इनके क्या मुतालबात हैं, आइए जानते हैं। प्लीजो साहिबा, एक दिन वो आए जिला में एज अ पैरामेडिकल स्टाफ काम करें, देन शी रियलाइज इट कि कितना हाई रिस्क के ऊपर ये प्रोफेशन है। हमारा सिंध गवर्नमेंट में हेल्थ रिस्क अलाउंस तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का, सपोर्टिंग स्टाफ का, इन्होंने जो हेल्थ रिस्क अलाउंस है वो बंद कर दिया है। उसके लिए पूरी सिंध और सरापा एहतजाज है। हमारे यहाँ जिन्ना अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल और सपोर्टिंग स्टाफ अपने हकूक के लिए खड़े हुए हैं चार दिन से। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हेल्थ रिस्क अलाउंस उन्होंने जो वो बंद किया हुआ है वो हमें वापस दिया जाए। इसके अंदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, यंग नर्सेज एसोसिएशन, पाकिस्तान पैरामेडिकल की तमाम तंजीमें और हेल्थ सपोर्टिंग स्टाफ की तंजीमें इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव इशू है। इसके अंदर तमाम के तमाम जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो एक ग्रेड से 20-22 ग्रेड तक, वो सब के सब इसके अंदर मुतासिर हो रहे हैं। हमारे इशूज़ जो है बड़े अरसे से वैसे ही चल रहे थे। ओवरऑल हम देखा जाए तो बाकी सूबों के हिसाब से भले रिस्क अलाउंस हमारा साथ था तो भी हमारी इतनी पे नहीं थी, और उसके बावजूद अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक अचानक से ऐलान कर दिया कि हम कोविड रिस्क अलाउंस बंद कर रहे हैं। वो कोविड रिस्क अलाउंस नहीं है बल्कि हेल्थ रिस्क अलाउंस के नाम से हमारे साथ जुड़ा हुआ था, हमारी पेज में एड था। हेल्थ मिनिस्टर जो है सिंध की, उनका प्लीजो साहिबा, बहुत एहतराम के साथ मैं उनके इस बयान को कंडेम करूँगी। कल रात जो उन्होंने ये बयान दिया है कि हेल्थ रिस्क अनाउंस वो नहीं इशू करेंगी, और जो भी होगा मार्केट में बहुत लोग मौजूद हैं, हम रिज़ाइन करके जाएं वो और लोगों को ले आएंगे, ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है, ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। और हम बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग करके अपने माँ बाप के पैसों पे खर्च करके अपना टाइम यहाँ देकर हम आज यहाँ इस पोजीशन पे पहुँचे। हम लोग अपनी फैमिलीज को निगलेक्ट करते हैं, अपनी पूरी रिश्तेदारों को, हर चीज़ को, हर इवेंट को निगलेक्ट करते हैं। एक दिन वो आए जिला में एज अ पैरामेडिकल स्टाफ काम करें, देन शी रियलाइज इट कि कितना हाई रिस्क के ऊपर ये प्रोफेशन है। और कोविड के तो कोई रिस्क की बात ही नहीं कर रहे, हमने कब कहा कोविड रिस्क की बात है, हेल्थ रिस्क अलाउंस की बात हो रही है। हेल्थ रिस्क में आपका सबसे पहला सीरियस इंसिडेंट आता है एचआईवी पेशेंट्स, फिर सेकंड पे आपके मुल्क में पेंडेमिक है टीबी का, टीबी के पेशेंट्स हम इस तरह के मास्क में देखते हैं, और पूरी दुनिया में N95 इस्तेमाल होता है टीबी के लिए, लेकिन हम ये मास्क यूज कर रहे होते हैं। फिर आपका हेपेटाइटिस बी है, फिर आपका हेपेटाइटिस सी है, फिर आपका हेपेटाइटिस ई है। नीडल प्रिक इंजरी सबसे ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को होती है। ये बातें करना बहुत आसान है कि हम यहाँ खड़े में हम इतजाज करें, हम पैसों के लालची, हम कोई पैसों के लालची नहीं है। ये हमारा बेसिक राइट है कि हमें प्रोवाइड की जाए ये सहूलतें। ये इंटरनेशनली वो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, वो जरा यूरोप का जाके हेल्थ स्ट्रक्चर देख कर आए, कैनेडा का हेल्थ स्ट्रक्चर देख कर आए, अमेरिका का हेल्थ स्ट्रक्चर देख कर आए, तो उन्हें अंदाजा होगा वहाँ पे वो ये चीज़ नहीं कर सकती, वहाँ कोर्ट में ले दिया जाता है। ये बात कर देना कि हम हेल्थ रिस्क अनाउंस नहीं देंगे, चले जाए, बैठ जाएगा JPMC, ले आए किसी और को, वो दो महीने बाद यहाँ खड़े होकर यही मुतालबात कर रहे होंगे जो आज हम कर रहे हैं। अगर हमारे मुजाकरात तो जब भी हम वो बुलाते हैं हम करने चले जाते हैं, लेकिन अगर वो मुजाकरात में हमें वो सीरियस नहीं लग रहे, दो दफ़ा मुसलसल उन्होंने बुलाए लेकिन कोई उनका मुजाकरात में कोई मसले हल करने का इंटरेस्ट नहीं लग रहा, अगर इसी तरह का उनका बिहेवियर रहा, यही उनका सिंध गवर्नमेंट का एटीट्यूड रहा, बिलखसूस जो कल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि जो लोग प्रोटेस्ट करेंगे हम उन पर कार्रवाई करेंगे, उनको हटा के उनकी जगह दूसरे लोग लाएंगे, अगर यही आपके धमकी आमेज ले जा रहा तो हमारा बायकॉट जो हॉस्पिटल्स तक महदूद है प्रोटेस्ट, ये अस्पतालों से निकलकर प्रेस क्लब की तरफ जाएगा, और जो हर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं सबका रुख कराची प्रेस क्लब की तरफ और CM हाउस की तरफ होगा। तो हम पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता, बाकी आगे कहाँ तक जाते हैं ये वक्त बताएगा इंशाल्लाह। मेडिकल स्टाफ का ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम पूरे अस्पताल की OPD और एमरजेंसी का बायकॉट करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इसाक के साथ फराज अहमद, MM न्यूज़ कराची। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर।
MM News की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।